हेलो स्टूडेंट, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट टेम्पलेट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, डिफेक्ट प्रिवेंशन प्रोसेस, अभी हम देखते हैं कि फाइनली डिफेक्ट रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से डिजाइन होती है। अभी उसके लिए जो हम चीज़ें यूज करने वाले हैं हम उसको बोलेंगे डिफेक्ट टेम्पलेट। सो द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर, अंडरस्टैंड द डिफेक्ट टेम्पलेट, कि जो डिफेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जो टेम्पलेट्स की हमको जरूरत पड़ती है वो हर एक टेम्पलेट के बारे में हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना है। सो द प्रीरिक्विजिट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि डिफेक्ट जो होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी। दिस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर द टुडेज लेक्चर। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली डिफेक्ट टेम्पलेट, कि देर आर वेरियस टेम्पलेट यूज फॉर डिजाइनिंग द डिफेक्ट रिपोर्ट। सो डिफेक्ट रिपोर्ट इज प्रोबेबली प्राइमरी वर्क प्रोडक्ट फॉर द मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टर। अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टर की बात करेंगे तो डिफेक्ट रिपोर्ट जो रहेगी वो उनका प्राइमरी वर्क रहेगा। वाय? बिकॉज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर इज टू टेस्ट द प्रोग्राम जो डेवलपर ने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। सो जब टेस्टर यहाँ पे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है तो उसके पास में जो एरर उसको सॉफ्टवेयर में मिलेगा वो सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए डिफेक्ट रहेगा, और वो डिफेक्ट जनरेट होने के बाद में डेवलपर उस डिफेक्ट को सॉल्व करेगा। सो फॉर दैट यहाँ पे टेस्टर ने वो प्रोग्राम जो है वो डेवलपर के तरफ फिर से भेजेगा फॉर सॉल्विंग द डिफेक्ट। बट डेवलपर किस तरीके से उस डिफेक्ट के बारे में जानेगा, तो यहाँ पे जो टेस्टर डिजाइन करके देगा उसको डिफेक्ट रिपोर्ट, बाय रीडिंग दैट रिपोर्ट डेवलपर जानेगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, क्या प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर में होगा, कौन सा डिफेक्ट इस सॉफ्टवेयर में जनरेट हुआ है। इसीलिए जो प्राइमरी वर्क रहेगा टेस्टर का वो रहेगा यहाँ पे डिजाइनिंग अ डिफेक्ट रिपोर्ट। गुड बग रिपोर्ट इज इन्फॉर्मेटिव एंड अंडरस्टैंडेबल, वीक रिपोर्ट जनरेट द एक्स्ट्रा वर्क फॉर द एवरीवन। अभी यहाँ पे प्राइमरी वर्क तो टेस्टर का रहेगा टू डिजाइन अ डिफेक्ट रिपोर्ट। सो अगर जितनी बेटर हमारी रिपोर्ट रहेगी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेवलपर को मिलने वाला है अबाउट द डिफेक्ट, एंड उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। अगर यहाँ पे डेवलपर एक अच्छी डिफेक्ट रिपोर्ट अगर यहाँ पे टेस्टर ने डिजाइन करके नहीं दी तो शायद से यहाँ पे डेवलपर जो है वो डिफेक्ट सही तरीके से समझ नहीं पाएगा, और इसके वजह से क्या होगा कि हर एक पर्सन का जो भी उस टेस्टिंग में या फिर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहेगा उनका जो वर्क है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसीलिए कि एक अच्छी रिपोर्ट इन्फॉर्मेटिव होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, और अगर एक वीक रिपोर्ट यहाँ पे बन गई, डिफेक्ट रिपोर्ट की हम बात करेंगे तो अगर एक वीक डिफेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे बन गई तो वो एक्स्ट्रा वर्क जनरेट करेगी फॉर द एवरीवन। डिफेक्ट रिपोर्ट आर यूज टू अलर्ट द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर अबाउट द डिफेक्ट एंड गिव देम सफिशियंट इन्फॉर्मेशन इन टू फाइंड आउट द रूट कॉज एंड फिक्स द प्रॉब्लम। सो बेसिक पर्पज ऑफ डिफेक्ट रिपोर्ट क्या होता है कि ये अलर्ट करती है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को अबाउट द डिफेक्ट, कि क्या डिफेक्ट है, एंड उसके बाद में वो एक सफिशियंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी डेवलपर को। डिफेक्ट रिपोर्ट एक सफिशियंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी डेवलपर को, जिसका यूज करते हुए उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे जो हमारा डेवलपर है वो रूट कॉज को फाइंड आउट करेगा और उस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा। अ गुड डिफेक्ट रिपोर्ट माइट हैव द फॉलोइंग सेक्शन। अगर आप भी अपनी डिफेक्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस यूज करते हैं, तो हर एक इंडस्ट्री में कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, बट देर आर द बेसिक डिफेक्ट टेम्पलेट यूज इन फॉर द डेवलपिंग डिफेक्ट रिपोर्ट। सो फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन रहेगा सेवेरिटी, इट इंडिकेट्स हाउ बैड द बग इज, द लाइवलीहुड एंड द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट वेन द यूजर एनकाउंटर्स द बग। सो सेवरिटी में क्या रहेगा, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, इसमें क्या रहेगा कि कितना बुरा वो बग होगा जो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे टेस्टर को मिला हुआ है। उसके बाद में कि उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, अगर यूजर को ये प्रॉब्लम जो है वो बग जो है फेस हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये हम सेवरिटी में मैंशन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। अभी सेवरिटी में रहेगा लाइक सिस्टम क्रैश, डेटा लॉस, डेटा करप्शन, ऑपरेशनल एरर, रॉन्ग रिजल्ट, लॉस ऑफ फंक्शनलिटी, माइनर प्रॉब्लम, मिस स्पेलिंग, यूआई लेआउट, रेयर ऑकरेंस, दीज आर द थिंग जो हमारा फर्स्ट सेक्शन के अंदर में आएगा, जिसका नाम रहेगा सेवरिटी। सेकेंड वन इज प्रायोरिटी, दैट मीन्स दिस सेक्शन इंडिकेट्स हाउ मच द एम्फेसिस शुड बी प्लेस ऑन फिक्सिंग द बग एंड द अर्जेंसी ऑफ मेकिंग देम फिक्स। सो हम यहाँ पे इस सेक्शन में क्या इंडिकेट करेंगे, प्रायोरिटी, कितनी प्रायोरिटी आपको उस डिफेक्ट को देना है, कितना उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर किसी डिफेक्ट की प्रायोरिटी हाई होगी तो हमको उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा।
सो ये यहाँ पे टेस्टर अंडर दिस सेक्शन प्रायोरिटी में डेवलपर को बताएगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या हो रहेगी जो डिफेक्ट यहाँ पे टेस्टर ने फाइंड आउट किया हुआ है। अभी प्रायोरिटी की लेवल्स हैं और उस लेवल्स पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया दिया हुआ है, जैसा इमीडिएट फिक्स ब्लॉक फॉर द टेस्टिंग वेरी विजिबल दिस इज द फर्स्ट, सेकंड वन इज मस्ट फिक्स बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज, इसको दैट मीन्स व्हाट कि आपको इस डिफेक्ट को फिक्स करना है कब, बिफोर द प्रोडक्ट रिलीज, प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले आपको इसको फिक्स करना है। और फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे तो उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करना है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में शुड फिक्स व्हेन टाइम परमिट्स, थर्ड प्रायोरिटी क्या रहेगी, शुड फिक्स व्हेन द टाइम परमिट्स, दैट मीन जब हमारे पास में सब काम होने के बाद में जो टाइम बचेगा उस टाइम में हम इस डिफेक्ट को सॉल्व करेंगे। Would like to fix but the product can be released as it is, हम next priority क्या रहेगी, कैसे हम find out करेंगे, so कि हम इस defect को solve करेंगे but release के बाद में, that means would like to fix, हमको उसको fix करना है but the product can be released as it is, अभी जैसा product है हम वैसा ही product as it is release करेंगे और after that हम उस जो defect रहेगा उस defect को हम solve करेंगे। So these are the four levels under the priority. I again repeat, first one क्या रहेगा, हम यहाँ पे सबसे पहले priority में क्या करेंगे कि कितना urgently हमको उस defect को solve करना है। अभी ये urgency जो है वो हम किसके basis के ऊपर में find out करेंगे, so these are the levels, जैसे immediate fix जल्दी से जल्दी करना है, second one कि हाँ हम defect को solve करेंगे but before product release कभी ना कभी हम उसको solve कर लेंगे, third one is कि जब हमारे पास में टाइम बचेगा तब हम इस डिफेक्ट को सॉल्व करेंगे, फोर्थ वन इज कि हाँ हमको इसको सॉल्व करना है बट हम इसको पहले एज इट इज रिलीज कर दे उसके बाद में उसके बारे में सोचेंगे। सो दीज आर द फोर लेवल जिसके ऊपर में प्रायोरिटी डिसाइड होगी जो यहाँ पे टेस्टर डेवलपर को बताने वाला है। नेक्स्ट वन इज हेडलाइन, अभी हेडलाइन मतलब क्या, वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट जनरेट हुआ है उसका वन लाइन डिस्क्रिप्शन आप दे दो। रिमेंबर अ गुड हेडलाइन will always be clear related to the defect and give some hints on how critical defect could be. So ये काम हमारा यहाँ पे tester करने वाला है क्योंकि defect report कौन design करने वाला है, tester. So one line description इस तरीके से होना चाहिए जो clear कर दे about the defect to the developer, और जो one line रहेगी वो related with the defect होनी चाहिए, जो clearly hint दे दे developer को कि how critical defect could be, जो डिफेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है वो कितना क्रिटिकल है, ये सारी चीजें इस हेडलाइन के अंडर में टेस्टर देगा डेवलपर को। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या रहेगा, इन मोस्ट केसेस डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम इज यूज फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट, सो स्पेसिफाइंग एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या होता है प्रोडक्ट में, हम प्रोडक्ट के सेक्शन में हम क्या करेंगे, जो हम डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम है हम वो यूज करते हैं मोर देन वन प्रोडक्ट, जो डिफेक्ट ट्रैकिंग हमारा पास में डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम होता है वो हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, तो आपको स्पेसिफाई करके देना है कि एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट और वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप जैसा कि हम डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हम सेम सिस्टम मोर देन वन प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, तो आपको स्पेसिफाई करना है पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट के लिए और उसका वर्जन जो रहेगा वो आपको वहां पे मेंशन करना है अंडर द प्रोडक्ट। सो दिस इज द फोर्थ सेक्शन अंडर द डिफेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट, प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी डिवाइड इन टू द कंपोनेंट्स, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं मतलब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि आप सभी को पता है, और साथ में हर एक प्रोडक्ट डिवाइड होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट में जो हमने यूनिट टेस्टिंग में पढ़ा हुआ है। सो अ डिफेक्ट रिपोर्ट कंटेनिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट कैन हेल्प द मैनेजर इन असाइनिंग इट टू द एप्रोप्रिएट पर्सन। सो यहाँ पे जो टेस्टर रहेगा, टेस्टर टीम का जो हमारा यहाँ पे मैनेजर रहेगा, उसका काम क्या रहेगा कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस कंपोनेंट के बारे में प्रोवाइड करना है ताकि जो डेवलपर टीम में जो रहेगा वहाँ का जो मैनेजर रहेगा वो पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर पर्सन को हैंडओवर कर सके। दैट मीन्स जो डिफेक्ट जिस कंपोनेंट में जनरेट हुआ है उसका डिटेलिंग हमको यहाँ पे अंडर द सेक्शन कंपोनेंट के अंदर में देना है ताकि जो डेवलपर टीम में मैनेजर रहेगा वो उस डिफेक्ट को सॉल्व करने का टास्क प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर सके, अलॉट कर सके। नेक्स्ट वन इज डिफेक्ट टाइप, अभी डिफेक्ट का टाइप कौन सा है ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिफेक्ट टाइप कुड बी फंक्शनैलिटी हो सकता है, स्पेसिफिकेशन हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, यूआई हो सकता है, एक्सेट्रा।
दैट मीन्स इट स्पेसिफाई दैट कि जो डिफेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ वो किससे रिलेटेड है, फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है, स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है, रिग्रेशन से रिलेटेड है, यूआई से रिलेटेड है और एक्सेट्रा, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे उस चीज को स्पेसिफाई करना है अंडर द डिफेक्ट टाइप। दिस क्लासिफिकेशन कैन बी यूज टू एनालाइज हाउ द डिफेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिस्टम। सो ये जो एनालिसिस है आपको ये हेल्प करेगा कि किस तरीके से इस डिफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपके सिस्टम के अंडर में। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टेस्ट एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट शुड बी प्रेजेंट, एग्जांपल डेटाबेस प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। सो जो भी प्रॉपर एनवायरमेंट जरूरी होता है फॉर द टेस्टिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए, जैसा एग्जांपल में यहाँ पे बोला हुआ है डेटाबेस प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा, वो सारी जो भी एनवायरमेंट रहेगा उसका डिटेलिंग आपको अंडर द सेक्शन एनवायरमेंट में देना है फॉर टू द डेवलपर अंडर द डिफेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स। ऑल द स्टेप्स शुड बी स्पेसिफाइड क्लियरली, यू शुड नॉट अज्यूम दैट द प्रोग्रामर विल अंडरस्टैंड दिस। सो जो भी स्टेप्स यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी है वो सारी स्टेप जो है वो आपको अंडर दिस सेक्शन स्टेप के अंदर में देना है, ताकि जो आपका प्रोग्रामर रहेगा वो इजिली उसको समझ सके। मीन्स ऑल द स्टेप शुड बी स्पेसिफाइड क्लियरली, सारी स्टेप आप क्लियरली मैंशन कर लो वहाँ पे। यू शुड नॉट अज्यूम दैट यू प्रोग्रामर विल अंडरस्टैंड दिस, दैट मीन्स आप ऐसा नहीं समझ सकते कि प्रोग्रामर जो है वो इजी तरीके से जो भी अभी तक के आपने दिया हो वो सारी चीज़ें इजीली समझ सके। इसीलिए आप स्टेप्स में इस तरीके से लिख दो ताकि जो हमारा प्रोग्रामर रहेगा, डेवलपर जो रहेगा, वो सारी चीज़ें इजीली समझ जाए। दैट मीन्स कि हमको ये अज्यूम करके चलना है कि प्रोग्रामर को हमने कितनी भी डिटेल दिया फिर भी हमको ये अज्यूम करके चलना है कि उसको समझने वाला नहीं है। सो एज अ टेस्टर यू कैन पुट टू मैक्सिमम थिंग्स इन अ डिफेक्ट रिपोर्ट, सो दैट कि डेवलपर इजिली उस चीज़ को, दैट मीन्स प्रोग्रामर इजिली उस चीज़ को पढ़ के समझ सके कि वॉट इज एग्जैक्टली द डिफेक्ट एंड हाउ, वॉट इज द रूट कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट और किस तरीके से हमको उसको फिक्स करना है। सो दिस ऑल थिंग्स आर अंडर द स्टेप्स। अटैचमेंट, वॉट एवर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर द डिफेक्ट शुड ऑल्सो भी अटैच। इसके अलावा जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट देनी है तो आप उसको अटैच कर लो अंडर द सेक्शन अटैचमेंट। एंड लास्ट वन इज कमेंट। इफ यू हैव एनी एडिशनल कमेंट ऑन द डिफेक्ट यू शुड स्पेसिफाइड अर्ली। अगर आपको कुछ एडिशनल कमेंट्स पास करनी है ऑन द डिफेक्ट, सो यू कैन एड दिस कमेंट अंडर दिस सेक्शन कमेंट्स। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप देखोगे यहाँ पे देर आर वेरियस टेम्पलेट्स यूज। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिफेक्ट रिपोर्ट जनरेशन के वेरियस टेम्पलेट्स होते हैं। अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक इंडस्ट्री में सेम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नेसेसिटी, वो अलग अलग टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जो अभी हमने टेम्पलेट्स देखे हुए, दीज आर द बेसिक 10 टेम्पलेट जो हमने प्रीवियस लेक्चर तक के देखे हुए। उसके अलावा भी कुछ टेम्पलेट्स आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, आपको नए मिलेंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे कि जो हमने अभी तक के प्रीवियस लेक्चर के पढ़े हुए 10 टेम्पलेट्स उसी के बारे में आपको यहाँ पे मैक्सिमम थिंग मिलेंगी। जैसा नेम ऑफ रिपोर्टर कौन है, ईमेल आईडी क्या है रिपोर्टर की, वर्जन और बिल्ड क्या है। वर्जन और बिल्ड मतलब क्या है कि एक बार टेस्टर के पास में सॉफ्टवेयर आ गया वो उसको चेक करेगा, टेस्ट करेगा, अगर वहाँ पे डिफेक्ट मिला तो वो डेवलपर के पास में भेजेगा थ्रू द डिफेक्ट रिपोर्ट। डेवलपर उसको सॉल्व करेगा, फिर से टेस्टर के पास में आएगा तो टेस्टर उसको चेक करेगा। टेस्टर को यहाँ पे पता चला कि जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा, डेवलपर के पास में जाएगा, फिर से टेस्टर, फिर से डेवलपर, फिर से टेस्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम जो राउंड चलेंगे, सो दीज आर द वर्जन। उसके बाद में मॉड्यूल और कंपोनेंट का डिटेलिंग दो, प्लेटफॉर्म कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आप लिखो, टाइप ऑफ एरर कौन सा है, दैट मीन्स कोडिंग एरर है, डिजाइन एरर है, सजेशन है, यूआई डॉक्यूमेंटेशन, टेक्स्ट एरर, हार्डवेयर एरर एक्सेट्रा। प्रायोरिटी के लेवल्स हमने देखा हुआ है कि आप उसकी प्रायोरिटी सब डिसाइड कर लो। सेवरिटी क्या होगा वो आप मेंशन करो, स्टेटस लिखो, असाइन टू आपने किसको असाइन किया हुआ है, समरी, डिस्क्रिप्शन, दीज आर द वेरियस अगेन टेम्पलेट्स एंड वो भी टेम्पलेट्स है जो हमने इससे पहले देखा हुआ है। सो दीज आर द डिफरेंट टेम्पलेट जो हम डिफेक्ट रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। सो एज पर रिक्वायरमेंट हम उस टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। This is the MSBD question. Which parameters are considered while writing the good defect report? Also write the contents of the defect template. ये question आपको exam में पूछा जा सकता है। Second, इसी question को कुछ इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, explain the defect report template with its attributes. So ये दोनों question के answer आपको previous slides में मिल जाएंगे। Summary of learning, आज हमने discuss किया about the defect template. Now
इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द इम्पैक्ट ऑफ द डिफेक्ट, कि जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसका इम्पैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में किस तरीके से हो सकता है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट के बारे में। थैंक यू।